हेलो एवरीवन, आई एम पूजा सोनी। वेलकम टू पूजास कैसल। फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे पर्ल हूप इयररिंग्स को बहुत सारा प्यार दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए दो और हूप इयररिंग्स बनाने वाली हूँ। इसमें हम पर्ल का यूज़ तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही कौड़ियों का यूज़ करेंगे। मेरे पास ये प्लास्टिक वाली कौड़ियाँ हैं, अगर आपके पास रियल वाली हैं तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ईजी है। और ये दो कौड़ियों की इयररिंग्स है, बट ये दो कौड़ी की इयररिंग नहीं है, समझे? तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए वायर, कौड़ियाँ और पर्ल। आप यहाँ पर मल्टी कलर कौड़ियों का भी यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने नेक्स्ट इयररिंग में किया हुआ है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। दो इयररिंग्स हैं और काफ़ी ईजी हैं और काफ़ी सुंदर भी हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सिल्वर कलर के हुप्स ले लिए हैं, और जो इयररिंग बनाने के लिए वायर यूज़ किया है उसे हूप में एक तरफ से राउंड राउंड कर दिया है, जिससे ये सिक्योर हो जाए, बाहर साइड ना निकले। इसके बाद हम वायर में एक पर्ल डालेंगे। पर्ल आप 4 mm टू 6 mm ले सकते हैं, जो भी आपकी कौड़ियों की साइज़ है उसके अकॉर्डिंग। तो पहले मैंने वायर में एक पर्ल डाल दिया है और हूप के अंदर से ही उस वायर को निकाल दिया है। आप वीडियो को ध्यान से देखना। और फिर उसके बाद मैंने उसमें एक कौड़ी डाल दी है, और कौड़ी डालने के बाद मैंने हूप में से वायर को फिर से निकाल दिया है, इससे ये लॉक हो गया है। ये वायर अच्छे से फोल्ड हो जाती है, तो आप इसे अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि पर्ल ऊपर होने चाहिए और कौड़ियाँ नीचे साइड। आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको काफ़ी ईजिली समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से बताती हूँ, आपको एक पर्ल लेना है और फिर वायर को हूप के अंदर से बाहर निकाल देना है, उसे मोड़ के सामने साइड लाना है। और फिर इसके बाद हम उसमें एक कौड़ी डाल देंगे, और कौड़ी डालने के बाद हम वायर को फिर से हूप से बाहर निकाल देंगे, इससे ये लॉक हो जाएगा। इसके बाद हम यही प्रोसेस फिर से रिपीट करेंगे। और देखो, ये कितना प्रिटी सा हूप इयररिंग बन के रेडी है। और लास्ट में हम इस वायर को राउंड राउंड कर देंगे, जिससे ये पर्ल और कौड़ियाँ बाहर ना निकलें, और एक्स्ट्रा वायर को कट कर देंगे। वायर को अच्छी तरीके से दबा दीजिएगा, जिससे ये आपके कान में चुभे ना। और ये देखो कितनी ईजली ये इयररिंग बनकर तैयार है। आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ओके, जिन्हें हूप्स पहनना पसंद है उन्हें तो बहुत पसंद आने वाली है, तो शेयर करना भी मत भूलना। ओके, चलो अब दूसरी इयररिंग बना लेते हैं। ये भी बहुत ईजी है, उससे भी ईजी है। इसके लिए भी मैंने हूप्स ले लिए हैं, और मैंने जो एक्स्ट्रा वायर कट किया था उसी वायर को ले लिया है, क्योंकि इसमें कम वायर का यूज़ होने वाला है। तो फिर से हमने राउंड राउंड कर लिया है कौड़ियों को लॉक करने के लिए, बट इसमें हम पर्ल का यूज़ नहीं करेंगे, ये छोटे छोटे बीट्स होते हैं उनका यूज़ करेंगे। और ये मल्टी कलर कौड़ियाँ, तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पहले हमें एक बीट डालना है, इसके बाद एक कौड़ी डालनी है, फिर एक और बीट डालना है, फिर एक और कौड़ी डालनी है। ऐसे ही करते करते हमें सारी कौड़ियों को डाल देना है। बट यहाँ पर हम पूरे हूप को कवर नहीं करने वाले हैं, सिर्फ हाफ हूप को कवर करने वाले हैं। ये वायर आगे पीछे होती रहती है, इसलिए इसमें टेंशन मत लेना। आप हाफ हूप को मेज़र करके उसके अकॉर्डिंग आप कौड़ियों को डाल देना। इसमें सीक्वेंस वही रखना है, एक बीट डालनी है, फिर एक कौड़ी, और एक बीट और एक कौड़ी, ऐसे ही लास्ट में एक बीट आएगा। और ये देखो, मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि आप ऐसे भी बना सकते हो इसे। अब यहाँ से हमने वायर को खिसका लिया है, जहाँ पर से हमें ये कौड़ियाँ डालनी हैं। अब यहाँ पर एक बीट और एक कौड़ी को मैंने नीचे साइड पकड़ लिया है, और जो वायर है उसको हूप के अंदर से बाहर साइड निकाल लिया है। ध्यान से देखो मैंने कैसे किया है। एक बीड और एक कौड़ी को नीचे साइड हाथ में पकड़ लिया है, और जो वायर है उसको ओपन एंड से मैंने अंदर साइड से बाहर निकाल दिया है, और थोड़ा थोड़ा हाथ से दबाते भी जाना है, जिससे ये उसमें लॉक होता जाए। इसमें बीड्स और कौड़ियाँ दोनों नीचे साइड ही होंगी, तो हूप में हमारा वायर का एक राउंड बस आएगा। और ऐसे ही करते करते आप पूरे जो भी आपने कौड़ियाँ ली हैं, आप उन्हें इसमें फोल्ड कर दो। और ये मल्टी कलर कौड़ियाँ हैं, तो आपकी किसी भी ड्रेस के साथ आसानी से चली जाएंगी। तो ऐसे ही करते करते आप पूरी इयररिंग को बना लो, और लास्ट में जैसे राउंड राउंड हमने शुरू में किया था, वैसे इसमें भी कर देना है, और एक्स्ट्रा वायर को कट कर देना है। और ये भी बहुत प्रिटी सी इयररिंग बनकर रेडी होगी।
और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका वेट कर रहे हो, सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, वीडियोस मिस हो जाएंगे आपसे, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना, ओके, जिससे मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये देखो हमारी बात करते करते ये तो बन के रेडी है। तो आपको ये इयर रिंग्स कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ कमेंट में बताना, बिल्कुल मत भूलना कि आपको कौन सी वाली अच्छी लगी। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।